गुड आफ्टरनून थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम और सर पहले तो हम यही जानना चाहेंगे अगर आप हमें बता सके जो पूरी तिमाही रही है इसके क्या हाइलाइट्स रहे हैं कैसे रहे हैं और uh, अगर डिमांड डिसबर्समेंट देखा जाए तो उसके लिहाज से ये तिमाही कैसी रही है तो so, जब हमने एक साल पहले जब लॉन्च uh, किया लक्ष्य 26 तब तो हमने चार टारगेट्स बनाए एक तो हम रिटेलाइजेशन बाई ट्वेंटी परसेंट करेंगे Uh, फिर रिटेल uh, ग्रोथ जो है वो सी ए जी आर ट्वेंटी का रखेंगे फिर रिटेल क्वालिटी जो है वो एन एस थ्री नेट स्टेज थ्री वन परसेंट से नीचे लाएंगे और फोर्थ लास्ट बट नॉटली प्रॉफिटेबिलिटी थ्री परसेंट आर ओ ए अचीव करेंगे तब अब हम देखेंगे कि ईच वन ऑफ दिस हमने कैसे परफॉर्म किया है और uh, ये बोलने का एक रीजन है पहले तो रिटेलाइजेशन जो हम 80 परसेंट का टारगेट लिया था फॉर 26 हमने ट्वेंटी थ्री में ही सेवेंटी फाइव परसेंट अचीव कर दिया है।, जो आता है, रिटेल में 35 ग्रोथ है और होलसेल का पोर्टफोलियो किया परसेंट था ट्वेंटी फोर का टारगेट नाइनटी परसेंट पे रिवाइज कर दिया सो वी विल रीच क्लोज टू नाइनटी परसेंट ट्वेंटी ओनली सेकेंड ग्रोथ जो ऑलरेडी थर्टी है तो हम काफी कॉन्फिडेंट है कि हम दो जो 25 CGR का टारगेट बिल्कुल अचीव करेंगे। ओके okay, सर आपने एक हाईलाइट तो दे दिया लेकिन मुझे बताइए आपकी कंपनी का ग्रामीण इलाकों में अच्छा खासा एक्सपोजर है वहां से बताइए सर ये तिमाही कैसी रही है मांग के लिहाज से कंज्यूमर डिमांड के लिहाज से क्या सब कुछ ठीक है वहाँ पे या स्ट्रेस है Uh, जरा उसके बारे में बताइए रूरल ग्रोथ क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत अच्छी नहीं रही है जब हम एफ स्पेस से देखते हैं तो जरा बताइए कि ये ग्रामीण इलाकों में क्या हो रहा है इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी डेटा अवेलेबिलिटी इन रूरल ये बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है रैपिडली एबिलिटी बिकॉज ऑफ दैट डिजिटल एंड एनालिटिक्स एबिलिटी ऑफ लेंडिंग कंपनीज इन रूरल पहले हम क्या करते थे कि एक फार्मर है उसका इतना लैंड है तो इतना तो प्रोड्यूस करता होगा ओके okay, एक ट्रैक्टर है उसका सिक्सटी परसेंट मनी उसको दे दिए इतना ठोक भाव में धंधा होता था छह सात साल पहले अब वो फार्मर के बारे में या उसके एरिया के बारे में इतने डिटेल्स पता होते हैं कि हम ज्यादा एक्यूरेट कॉल ले सकते हैं इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है कि मोर एंड मोर हम बोलेंगे मोर कॉम्पिटिशन इज कमिंग मैं तो बोलूंगा कि मोर ऑर्गेनाइज सेक्टर इज गेटिंग इन टू रूरल आप अगर वेरियस एनबीएफ की कमेंट्री देखिये बैंक की कमेंट्री देखे तो सभी रूरल में आ रहे अभी बहुत शॉर्ट टर्म व्यू ले तो ये बैड न्यूज है हमारे लिए कि हम रूरल में है। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म व्यू लूंगा कि विद सो मेनी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स कमिंग शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज लेंडिंग विल इंक्रीज यू नो कम्पेयर टू अनऑर्गेनाइज लैंडिंग जो विलेज मनी लेंडर साहूकार है उससे लोग पैसे क्यों लेते हैं क्योंकि उनको जब चाहिए तब तो पैसे मिलते हैं तो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर आके उन्हें जब चाहिए अच्छे दर में अच्छे भाव में ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको पैसे दे तो लोग तो ऑर्गेनाइज सेक्टर से लेंगे और जब लेंगे तब ये जो डिमांड है वो बिग एक्सपांशन होने वाला है चलिए तो और बड़े एक्सपेंशन की यहाँ पर तैयारी क्लियरली मतलब रूरल सेक्टर से अच्छा खासा रिस्पांस मिलता दिख रहा है अच्छा सर एक एक आखरी सवाल इस वित्त वित्त वर्ष वर्ष के 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 लिए के लिए 2024 क्या गाइडेंस आप देंगे लिहाज से से और कौन फोकस एरियाज रहेंगे? I think Uh, क्योंकि हमें हमारे अगर प्रोडक्ट्स देखें ना तो हमारे तीन प्रोडक्ट्स हैं ट्रैक्टर फाइनेंस माइक्रो लोन्स टू व्हीलर जहां हमारे मार्केट शेयर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये प्रोडक्ट्स हम बोलते हैं कि मैच्योर प्रोडक्ट्स है जहां ग्रोथ इंडस्ट्री ग्रोथ से थोड़ी बेटर रहेगी लेकिन रन अवे ग्रोथ नहीं हो सकती ये प्रोडक्ट्स हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में कॉन्सेंट्रेट नो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं फिर हमारे न्यू प्रोडक्ट्स जो अभी ग्रोथ प्रोडक्ट्स हैं अगर आप सीएल लो कंज्यूमर लोन्स लो हाउसिंग लो Uh, या आप ऐसे uh, मिलो ये अभी बहुत छोटे पोर्टफोलियोज है और यहाँ ग्रोथ मतलब फोर्टी फिफ्टी परसेंट ग्रोथ हो सकती है बिकॉज ये बहुत छोटे पोर्टफोलियोज है